4 के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं अच्छे खासे इत्मीनान से एनालिसिस करके ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, इसीलिए इस रिजल्ट के ऊपर मैंने अभी तुरंत एनालिसिस नहीं किया, मैं थोड़ा टाइम लिया। मैं बोला हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों, एक्सिस बैंक की कैसे Q4 रिजल्ट आए हैं, चार्ट से लेकर के इनके हाईलाइट से लेकर के कॉमेंट्री क्या दी है, इन सब में चर्चा करेंगे। तो प्लीज आराम से बैठिए, हर एक चीज में चर्चा होगी। तो सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं रिजल्ट की तरफ, ठीक है। देखिए ये रिजल्ट है एक्सिस बैंक का, ठीक है। अब देखिए आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ एक्सिस बैंक हेल्ड ऑन अप्रैल 28। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों ये, ठीक है। और अब देखते हैं डिविडेंड दिया कंपनी ने, तो जी हाँ ₹1 का डिविडेंड दिया पर इक्विटी शेयर एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल मैंने एंश्योरिंग 28th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में कंफर्म होगा कब होना है, मतलब ₹1 की डिविडेंड मिली हुई है, ठीक है। अब आप देखिए अब बोरोइंग और फंड रेजिंग, यानी फंड रेजिंग के बारे में बात होगी। क्या लिखा है, अप्रूव्ड इंक्रीज इन लिमिट ऑफ द बैंक अप टू एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 crore फॉर बोरोइंग अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, टेम्पररी लोन प्रीपेबल ऑन डिमांड और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन इफ एनी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक बैंकर्स इन टर्म ऑफ सेक्शन। देखिए यानी कि लगभग 2,50,000 crore रुपए का आप कह सकते हैं जो बोरोइंग है ये वहां तक बढ़ाने वाली है, कंपनी का ये कहना है, ठीक है बैंक का। और ये जो चीजें हैं ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बैंक सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द मेंबर ऑफ द बैंक, ये मेंबर से आप कह सकते हैं अप्रूवल करके हो सकती है। 2,50,000 crore तक की आप कह सकते हैं इंक्रीज करनी है लिमिट ऑफ बैंक ऑफ द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑथराइज द बैंक टू बोरो रेज फंड इन इंडियन फॉरेन करेंसी बाय इशूइंग अ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए फंड रेज करने की बात हो रही है थ्रू किसकी, फॉरेन करेंसी में, बाय इशूइंग डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एट A1 AT1 बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एंड टीयर टू कैपिटल बॉन्ड। देखिए आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू, AT1 बॉन्ड के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के थ्रू, टीयर टू कैपिटल बॉन्ड्स या सच डिस्गाइजमेंट परमिटेड अंडर एबीएल एग्रीमेंट, ठीक है। 35,000 crore की फंड रेजिंग की बात की जा रही है, यानी कि भाई बोरोइंग की लिमिट बढ़ाना और 35,000 crore के लगभग का आप कह सकते हैं कि फंड रेज करने की बातें हो रही है। तो ये तीन बातें हो गई, आप क्या दें। देखिए आप चलते हैं सीधा हम कि रिजल्ट कैसे रहे, ठीक है। ये सब चीजें अपने काम की चीजें नहीं है, हमको सबसे पहले भी देखना है कि रिजल्ट वाकई में कैसे है और रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीदें तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो अपने काम की चीजें क्या है, ये तीन है तो हम इसे एडजस्ट करते हैं। तब तक आप 2 मिनट प्लीज बेयर कीजिए इस देरी को। तो देखिए ये रहा हमारा, ये देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न ABC। तो इंटरेस्ट अर्न में क्या है, ए लगभग कितना है दोस्तों, ये पहले हम देखते हैं किसमें है, ये करोड़ में है कि मिलियंस में है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ये है लैक्स में, यानी हमें 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 पॉइंट हमें और लगाने पड़ेंगे कहाँ पे, इसके अंत में इनके वर्ड्स के, तो ठीक है हम वो लगा लेंगे, हमको क्या इशू है। देखिए पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो लगभग कितना है 17,776 crore rupees, ठीक है। टोटल इसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल कितना है 13,069 crore, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आई है, कितना है दोस्तों 3,992 crore आई है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन टोटल पिछले बार में कितनी थी 17,161, यानी ये बढ़ोतरी हुई है। और पिछले साल इसी समय कितना था दोस्तों, ये था 15,449 crore, यानी कि जंप है दोस्तों ये ठीक ठाक सी। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कितना इंटरेस्ट आया है, तो ये दोस्तों 444 crore, जो पिछले क्वार्टर में था 418 crore और उससे पहले था 222 crore, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा जंप है और ईयर ऑन बेसिस पे जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम टोटल इनकम निकाल के देखें, टोटल इनकम हम अगर हम देखें तो देखिए 21,999, आप कह सकते हैं कि 22,000 crore है। और यहाँ पे कितनी थी 21,102 crore और इससे पहले कितनी थी 19,035 crore, यानी कि आप देखिए टोटल इनकम जो निकल के आ रही है ना वो 22,000 crore है, यानी आप कह सकते हैं कि 5% के आसपास या 6-8% के आसपास का आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। कितना एग्जैक्ट है हम जब हाईलाइट देखेंगे बैंक की तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑपरेंट एक्सपेंसेस एम्प्लॉय को सबसे बड़ा इसका सरदर्द लग सकता है, तो कितना आया दोस्तों, कितना आया है, ये आया है 1,886 crore, जो पिछली बार था 1,938 crore, यानी मोर और लेस सेम है, थोड़ा ज्यादा आया है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखेंगे
तो कितना है दोस्तों 4686 89, जो पिछली बार था 4392, यानी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टोटल हमारे पास एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए मैं नीचे जाता हूँ, टोटल जो हमारे वो आए नेट प्रॉफिट वो कितना निकल गया है। तो देखिए नेट प्रॉफिट और लॉस कितना निकल गया फॉर द टाइम फॉर द पीरियड 12/13 4117 करोड़, जो पिछली बार था कितना 3614 करोड़, यानी अच्छी जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ये जंप निकल गया है विच इज गुड। यानी रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा एकदम आप ये नहीं कह सकते एकदम बदल के ही रख दिया, लेकिन हाँ जंप है एंड इट्स अ गुड रिजल्ट, ठीक है। एनपीए रेशियो की हम बात करें कि भाई साहब एनपीए कैसा है, उससे पहले हम देखें थोड़ा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये 18.54% रहा है, जो पिछले क्वार्टर के 17.44 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये कम है। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ना अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि भाई साहब इससे पता चलता है बैंक की हालत क्या है। तो ये आरबीआई की जो लिमिट है उससे काफी अच्छा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। ईपीएस आप देखिए तो 11.78 रुपए की थी, वो बढ़ के 13.42 रुपए हो गई है, विच इज गुड, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर तो जबरदस्त जंप है दोस्तों। अब बात करें थोड़ा एनपीए की, एनपीए कैसा है, तो देखिए परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए कैसा है, 3.17 से घट के 2.82, विच इज फिनोमिनल। नेट एनपीए 0.9 घट से 0.73%, ये भी है, यानी कि भैया एनपीए के फ्रंट पे भी हमें काफी ज्यादा आप कह सकते हैं एक राहत की सांस मिली है, ठीक है। और अब देखिए ये बात समझ में आ रही है कि रिजल्ट कोई खराब नहीं, रिजल्ट एक अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब हम देखेंगे भाई इनके एसेट को अगर मैं देखूं एक बार, तो देखिए कैपिटल कैसा है इनका, कैपिटल लायबिलिटी कैपिटल देखिए ये आया है 613 करोड़, जो पिछले बार था 612 करोड़, यानी कि ठीक ठाक है दोस्तों, ठीक है। और ये ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे है दोस्तों, ठीक है। रिजर्व और सरप्लस अगर आप देखेंगे तो ये कितना आया है दोस्तों, ये आया है 1,14,411 करोड़, जो कि पिछली बार के 1,00,000 करोड़ के आसपास से ज्यादा, यानी 14% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेस पे, विच इज गुड, ठीक है। और अगर हम बोरोइंग देखें दोस्तों, ठीक है, बोरोइंग तो 14% दिख रही है। डिपॉजिट्स अगर हम नजर डालें तो आप देखिए 8,21,720 करोड़ रुपीज है, और ये पिछले साल डिपॉजिट कितनी थी 6,97,899.85 करोड़, यानी कि डिपॉजिट में भी आप कह सकते हैं कि एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। बोरोइंग कैसी है इनकी, अगर आप देखें बोरोइंग कैसी है, तो ये आई दोस्तों 1,85,133, जो पिछली बार के 1,42,817 से कम ज्यादा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छा डिपॉजिट आपको दिख रहा है वो डिपॉजिट में दिख रहा होगा। और देखिए डिपॉजिट रहेगा क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है। और अब देखिए फिक्स्ड एसेट में अगर नजर डालू, मैं ज्यादा डालता नहीं हूँ, फिक्स्ड एसेट में अगर नजर डालें ना तो आप देखिए, बल्कि इससे ज्यादा हमें टोटल में देखना चाहिए, टोटल जो एसेट है उस पर नजर डालना चाहिए बजाय उसके। तो ये लगभग देखिए टोटल अब है 11,75,178 करोड़, ठीक है, यानी कि ठीक है, ये अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लगभग आप कह सकते हैं 10-11% के आसपास की बढ़ोतरी है, ठीक है। और जो सबसे शार्प इंक्रीज हुआ है दोस्तों एसेट्स में, वो है कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कैश और बैलेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किया है वो आप देखिए 94,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले साल केवल 51,000 था, यानी जबरदस्त जंप है। मतलब ओवरऑल आप देख लीजिए बैंक की हालत ना बहुत अच्छी है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा कि इन्होंने जो बोरिंग दी है, ये कैपिटल इन्होंने जो कह लीजिए लोन बांटा है, वो इंडस्ट्रियल लोन कैसा है और रिटेल लोन कैसा है, तो हमें इसका पता ना दोस्तों नीचे तरफ चलेगा जब हम मनान से जाएंगे और हर एक चीज में धीरे धीरे नजर डालेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये है टाइप ऑफ बोरोअर्स, तो इसमें देखिए जो पर्सनल लोन है ना, ये देखिए 3,088 करोड़ रुपीज है, करोड़ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इससे हमें उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में आएगा कहां से, जब हम इनकी देखेंगे हाईलाइट्स बैंक की, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं आपको धीरे से हाईलाइट की तरफ, वरना उसे समझाने में ही ऐसा लगेगा और आपको खुद समझने में मजा नहीं आएगा। ये रहा हमारा सबसे पहला चीज, ठीक है, बैंक रिलीज। देखिए एक्सिस बैंक रिपोर्ट फाइनेंशियल 22 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,025 करोड़, 98% दोस्तों बढ़ोतरी है ये ईयर ऑन ईयर, ठीक है। Q4 फाइनेंशियल 22 पैट एट 4,118 करोड़, 54% अप ईयर ऑन ईयर और 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बढ़ोतरी दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छे रिजल्ट, नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ 17% ईयर ऑन ईयर एंड ओनली 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ रहा है,
ठीक है। अब आप देखिए जो फी इनकम है वो 11% बढ़ी ईयर ऑन ईयर और 12% बढ़ी है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। अब लोन अप बाय 15% ईयर ऑन ईयर एंड 6% बाय क्वार्टर टू क्वार्टर, रिटेल अप 21% ईयर ऑन ईयर एंड 9% क्वार्टर टू क्वार्टर, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज 26% बढ़ा है और 13% क्वार्टर क्वार्टर। यानी देखिए जो लोन है ना रिटेल लोन 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का लोन जो बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 26% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 13%। लेकिन देखिए जो रिटेल लोन होता है ना उसमें रिस्क कम होता है, भले ही इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा, इसमें रिटेल लोन का पार्टिसिपेशन कम होना ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा डराने की चीज नहीं है। लेकिन हाँ जो एसएमई के लोन होते हैं दोस्तों वो थोड़े से डेंजर होते हैं, ठीक है। ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सी इज 18.54% विद 1:15.25%, व्हिच इज गुड। अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन क्रेडिट कार्ड इश्यूड इन फाइनेंशियल एंड क्वार्टर 4 एंड फाइनेंशियल 20, हाईएस्ट एवर फॉर एनी क्वार्टर टेकिंग कार्ड इश्यूज फॉर फाइनेंशियल 22, 2.7 मिलियन इस क्वार्टर में इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड बांटे हैं 1.1 मिलियन, ये इतिहास में सबसे जबरदस्त है, विच इज फिनोमिनल। और देखिए क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर होते हैं ना बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, और मैं इसीलिए आपको बोल रहा था आराम से देखिएगा। सेकंड लार्जेस्ट लेंड मर्चेंट एक्वायरिंग विद मार्केट शेयर ऑफ 16%, ठीक है। इंक्रीमेंटल शेयर 31% इन 11 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 22, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर दोस्तों इन मर्चेंट एक्वायरिंग विद मार्केट, ठीक है। अब आप देखें जो सबसे एक बड़ी चीज है वह अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ, सीईओ साहब की कमेंट्री में थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बैंक की ना कमेंट्री बड़ी जरूरी होती है। तो देखिए We have made steady progress across all dimensions of business. Considerable work has gone into strengthening our core, building granularity, at the same time ensuring that we are positioned to grow. And देखिए ये सब वही बोल रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने core में लगे हुए हैं। The city deal is one of its kind and should pivot us into a premium franchise in line with our strategic objective. With smart product, services, partnership and talent on our side, we look forward to further building our performance. देखिए मैं जब ये डी उठी मैंने आपसे कहा था इस डील का जो सबसे बड़ा यूएसपी ना वह प्रीमियम फ्रेंचाइज। सिटी बैंक के ग्राहक कोई दोस्तों बहुत प्रीमियम कस्टमर थे, क्रेडिट कार्ड भले ही कम हो लेकिन पर कार्ड जो एक्सपेंस है उनका, जो उनकी एक्सपेंडिचर है वो आम लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर दोस्तों, ठीक है। आप देखें इन अ मूव दैट वुड कंसोलिडेट इट्स पोजीशन अमंग द लार्ज प्राइवेट लेंडर्स, एक्सिस बैंक एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर सिटी बैंक्स कंज्यूमर बिजनेस कवरिंग लोन क्रेडिट कार्ड वेल्थ मैनेजमेंट एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन इंडिया इन लाइन विद इट्स ग्रोथ एम्बिशन, ठीक है। देखिए इस लाइन में यही कह रहे हैं कि भाई हमने जो डील की है सिटी बैंक के साथ वो फिनोमिनल है, और उस डील के अंदर का जितने रिटेल लोन है क्रेडिट कार्ड है वेल्थ मैनेजमेंट है रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन वो सब हम करेंगे, और यकीन मानिए मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए कोटक और इसके बीच ना बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर थी, ठीक है। लेकिन बात ये सुनने में आ रही थी कि एम्प्लॉय बेनिफिट के मामले में एक्सिस बैंक काफी आगे था, ठीक है। अब आप देखें ड्यूरिंग द क्वार्टर Axis Bank took a variety of initiatives to support critical sectors. It committed $150 million to Samruddhi Healthcare Blended Finance, providing healthcare enterprise access to affordable debt finance. The bank hosted the 9th edition of the India SME 100 Awards in partnership with the India SME Forum, helping create awareness and network opportunity for SMEs. It collaborated with the Asian Development Bank to offer supply chain financing solution for the ESG. देखिए यही कह रहे हैं भैया हमने 150 मिलियन डॉलर समृद्धि हेल्थकेयर में डाला है। हमारे लिए जो मेन चीज है आप देखिए वो ये है, एक्सिस बैंक अनाउंस्ड अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद भारतीय एयरटेल ऑफरिंग अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट एयरटेल 340 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कस्टमर। देखिए ये क्या कह रहे हैं, हमने एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड निकाला है जो कि एक्सक्लूसिव बेनिफिट देता है 340 मिलियन प्लस कस्टमर्स को, लॉन्च 2019 में लॉन्च किया था। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रोबैंडेड क्रेडिट कार्ड टू क्रॉस द 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड इश्यूज माइलस्टोन। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट के साथ जो कोलैबोरेशन रहा है दोस्तों वो वाकई में फिनोमिनल है। मैं पर्सनली आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं मैं खुद होल्डर हूं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड दोस्तों, जबरदस्त कार्ड लगा वो मुझे, ठीक है। यूजिंग कवरिंग ओवर 18,000 पिन कोड्स पैन इंडिया एक्सिस ने आल्सो बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री आर्किटेक्चर बैंक इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं स्ट्रक्चरली कर रहे हैं, लेकिन मेन इनका फोकस पता है क्या है दोस्तों, इनकी सिटी डील के ऊपर। तो सिटी डील के बनकर यही कहना है कि भाई हमने काफी अच्छा काम किया है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस एट अ ग्लांस,
ठीक है। परफॉर्मेंस एट अ ग्लांस में आप देखेंगे, क्वार्टर फोर में अगर आप देखें, सिर्फ क्वार्टर होगी, नेट प्रॉफिट एट 4,118 करोड़, 54% अप ईयर ऑन ईयर एंड 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 4,118 करोड़, वो 54% अप ईयर ऑन ईयर, 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू 13% ईयर ऑन ईयर, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू 17% एंड 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, फी इनकम ग्रू 11% ईयर ऑन ईयर एंड 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिटेल फी ग्रू 14%। भाई साहब रिटेल ग्रू क्यों नहीं होगी, रिटेल फीस तो ना, रिटेल कस्टमर तो मतलब जो क्या शहर है उसे ही पता है ट्रैवल डांस में दोस्तों, लगातार बढ़ रही है। बात करें टोटल फाइनेंशियल 22 की, नेट प्रॉफिट है 13,025 करोड़, 98% अप ईयर ऑन ईयर है, एनआईए ग्रो 13%, फी इनकम 32%, यानी पूरे साल में देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम 13% ऊपर है और फी 22% ऊपर है। ठीक है, और देखिए जो आपको फीस इनकम लग शायद कम लग रही है ना, ये आने वाले समय आपको बता दूं बैंकिंग के लिए ना कितना बड़ा काम कर सकती है, और अभी ही बहुत जबरदस्त काम कर रही है। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विटनेस इन कस्टमर एक्विजिशन ड्राइविंग हेल्दी डिपॉजिट ग्रोथ। एडेड 2.4 मिलियन न्यू लायबिलिटी रिलेशनशिप विद इन क्वार्टर 4, 30% अप ईयर ऑन ईयर, 11% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में बर्गंडी कंटिन्यू टू शो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। देखिए टोटल एयूएम ओवर 2.6 trillion रुपीज, 22% अप ईयर ऑन ईयर। नाउ बर्गंडी प्राइवेट एयूएम्स एट 86,959 करोड़, 74% अप है। नाउ लॉन्ग ग्रोथ डिलीवर अक्रॉस फोकस बिजनेस सेगमेंट्स। रिटेल लोन 21% बढ़ा है, 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, रूरल लोन ग्रो 60% ईयर ऑन ईयर और 29% को ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो रूरल लोन है वो 29% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, नाउ स्मॉल मीडियम लोन 26% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया जो मिड कॉर्पोरेट बुक ग्रो है 45%। देखिए मुझे लगता है जो मिड कॉर्पोरेट होता है ना वो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, और उसमें लोन ग्रोथ होना, ये मेरी पर्सनल राय है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी चीज देखिए, हमने बाकी सब एडजस्ट कर ही ली है, और ये वही चीज है कि अगर आप पॉज कर देखना देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सिस बैंक के ये रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सिटी बैंक से और इनकी डील मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। देखिए ये डील के कारण ही ना इन्होंने अपने लोन बढ़ा रहे हैं, और इन्हें फंड रेज करने की भी इसीलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये डील इनकी जो बैलेंस शीट में जरूर डेंट करती दोस्तों, और फंड रेज होना ही था। लेकिन ओवरऑल बिजनेस मुझे अच्छा लगा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स अच्छे हैं। जो सिटी बैंक के साथ जो प्रीमियम कस्टमर आए हैं वो आने वाले समय में काफी अच्छा इनके लिए बिजनेस जरूर पैदा करेंगे। तो अगर एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो बनते हैं, जय हिंद दोस्तों।